हेलो फ्रेंड्स, रूपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ तुरई और चने दाल की बहुत ही मज़ेदार एंड इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ तुरई की एक रेसिपी शेयर कर रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें है फ्रेश तुरई। इस तुरई को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पर एक कटोरी चना दाल, जिसे मैंने कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखा था और अब ये फूल चुके हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच राई, छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, चुटकी भर हींग, बारीक कटे हुए 2 से 3 लहसुन और हरी मिर्च। इनको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तुरई, जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। इसे एक बार मिक्स करूँगी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और टेस्टी है, एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही साथ हेल्दी भी है। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी चना दाल, जिसे पानी में भिगो कर रखा था, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। पानी हमें इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है, क्योंकि तुरई में भी पानी होता है और पकाने के बाद वो अपना एक्स्ट्रा पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं इस सब्ज़ी को ढककर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। बीच बीच में आपको इसे मिक्स करते हुए चेक भी करते रहना है कि आपकी तुरई और चने दाल पके हैं कि नहीं। ये देखिए, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और मेरी सब्ज़ी भी बढ़िया से पक चुकी है। आप चना दाल को एक बार प्रेस करके देख सकते हैं, अगर ये सॉफ्ट हो गया है तो इसका मतलब आपकी सब्ज़ी तैयार है। वैसे तो हमारी तुरई की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है, पर इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको कम करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लेम को हाई करके कॉन्टीन्यूसली चला रही हूँ। ऐसा करने से इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी था, और अब पानी जैसे गायब ही हो गया है। तो बस हमारी तुरई की सब्ज़ी रेडी है। अब मैं फटाफट आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारी स्पेशल तुरई और चने दाल की चटपटी और मज़ेदार सब्ज़ी। वैसे तुरई की सब्ज़ी बहुत कम लोगों को खाना पसंद होती है, पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो डेफ़िनेटली सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसे चपाती, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सुपर इजी एंड सिंपल रेसिपी थी, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, और आपने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।